तीन सूत्री मांगों को लेकर जप्पा के सदस्यों ने जमीरा में पानी में घंटों खड़ा होकर धरना दिए और कहा कि राज्य सरकार बिहार वासियों के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। यथाशीघ्र जल निकासी की मांग के साथ ही अन्य मांगों को लेकर जप्पा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। सूत्री मांगों को लेकर जप्पा के कार्यकर्ताओं ने जमीरा पुल के नजदीक पानी में ही घंटों रहकर धरना दिए। जप्पा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार जनता के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, साथ में इस जल जमाव के कारण आम जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की मांग के साथ ही अन्य मांगों को लेकर जप्पा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिए। कितना परेशानी होता है इस पानी में आने जाने में? बहुत बहुत कठिन है, महीनों दिन पानी रहता है। हाँ, जब पानी ज्यादा बढ़ जाता तब कैसे आप लोग आते हैं? रेलवे लाइन से जाते हैं, जो बहुत खतरे का निशान है, जाने आने में तकलीफ होता है, यानी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना रहता है। बार बार हो भी जाता है, तो फिर भी विधायक स्थानीय सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा, इधर देखने ध्यान नहीं देता है, यानी कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम भिखारी राय। ठीक, जो कि दिल्ली में अपना आवास गरीबों के लिए दिए थे और गरीब को वहाँ इलाज और अपने पैसा खर्चा करके खाना और इलाज का भी पैसा देते थे और वहाँ रहने की सुविधा भी देते थे। कौन ऐसे 540 सांसद है जो हमारे देश का अभी क्या मतलब काम किया? अभी देखिए बाढ़ में चारों तरफ घूम घूम के मदद गरीबों का पहुंचा रहे हैं। अभी आप लोग का मांग क्या है इस रास्ते को लेकर? इस रास्ते को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाए।